हेलो दोस्तों, क्या कभी कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपके छोटे भाई बहनों ने सारा खाना ख़त्म कर दिया हो, सिर्फ रोटी पराठा या पूड़ी ही घर पे बची हो, सब्जी या दाल कुछ भी नहीं बची हो? तो आप क्या करते हैं, आपको भूख भी लगी होती है और आप थके हुए होते हैं, तो आपका कुछ भी बनाने का मन भी नहीं कर रहा होता है। तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लीजिए। उसके जुगाड़ के लिए आपको करना है बिल्कुल छोटे छोटे से सिंपल सिंपल से काम, और आपकी जुगाड़ तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले कच्चे मैंगो लेने हैं, यानी कि कच्चे आम। उनको अच्छे से धुल करके कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने के बाद में जो आपके आम होंगे वो थोड़े इस तरीके से लच्छे की तरीके बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है। फटाफट से आप लोहे की कढ़ाई लीजिए या नॉन स्टिक की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उस कढ़ाई में आम को डालेंगे और थोड़ी देर तक ऐसे ही इसको फ्राई करेंगे। आपको फ्राई करने के लिए घी तेल वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। आप डायरेक्ट कढ़ाई में इसको फ्राई कीजिए और बस धीरे धीरे हल्के हाथों से चलाते जाइए, ताकि ये तली में बिल्कुल भी नहीं चिपके। तो देख सकते हैं आप, इसी तरीके से जैसे हम इसको हल्के हाथों से चला रहे हैं, आप भी ऐसे ही चलाते जाइए और श्योर होते रहिए कि ये बिल्कुल भी तली में लगनी नहीं चाहिए। आप जब इसको धीरे धीरे तलेंगे तो इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ये ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगा और थोड़ा हल्का पीला पीला सा भी हो जाएगा। इसके बाद में अब आपको लेनी है चीनी। हम आपसे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप कितनी चीनी लीजिए। अगर आपको खट्टा खाना पसंद हो तो आप कम चीनी लीजिए, अगर आप खट्टा कम खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ले सकते हैं। चीनी आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। तो हमने यहाँ पे लिया था लगभग 200 ग्राम के लगभग चीनी, और आम मैंने आपको दिखाई दिए थे मैंने कितने आम लिए थे। उसके बाद आपने लच्छे भी देख लिए थे कि उसके कितने बने हुए थे। और इसके बाद में आपको फिर से इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से चलाते जाना है, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। एक बार जब आपकी चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो इस तरीके से उसमें एकदम पानी छोड़ देगी और ये इस तरीके से बन करके रेडी हो जाएगा। इसके बाद में आपको डालना है नमक। नमक आप बहुत ज़्यादा मत डालिए, लगभग आधा चम्मच ही डालिए। और इसके बाद आप मिर्ची डालिए। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हो तो लाल मिर्च को स्किप कर दीजिए, बिल्कुल भी मत डालिए, सिर्फ नमक डाल करके ही बनाइए। हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिर्च भी डाली थी, देखिए उससे इसका थोड़ा सा कलर और चेंज हो गया, थोड़ा ये रेड टाइप का भी हो गया है। अब आपको इसको फिर से धीरे धीरे पकने देना है। और हाँ, इसको आप बिल्कुल फुल आंच पे नहीं पकाएंगे, मीडियम या फिर सिम पर ही पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे तली में जल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, तो भी इसके आम के जो लच्छे हैं वो सॉफ्ट नहीं होंगे। तो इसको आप आराम आराम से पकाइए। देखिए मेरा जब 15-20 मिनट पक चुका था, इसके बाद में ये कुछ इस तरीके से थिक होने लग गया था। अब आप देख सकते हैं जो आम के लच्छे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, यानी कि लच्छे आम के पक चुके हैं। अब बारी है आपके चीनी के घोल के पकने के भी। आप देख सकते हैं लच्छे और चीनी का घोल थोड़ा अलग अलग सा दिखाई दे रहा है। आपको इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें चीनी वाला घोल और लच्छे एक साथ मिक्स नहीं हो जाते। आप चाहें तो इसको दो उंगलियों के बीच में रख के चेक भी कर सकते हैं। आप जब इसको दबाएंगे फिर उंगलियों को आपस में दूर दूर करेंगे तो ये इसमें तार बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप चेक करते जाइए, जब तक इसमें तार नहीं बनता है आप इसको पकने दीजिए। जब आपका दो उंगलियों के बीच में देखिए इस तरीके से थोड़ा तार बनना स्टार्ट हो जाए, तो आपका मैंगो जैम बन करके रेडी है। अब आप गैस को ऑफ कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब जब ये एक बार पूरे ठंडा हो जाएगा तब बारी आएगी आपके आगे के प्रोसेस की। तो देखिए इस तरीके से आप इसको चेक कर लीजिए। आप आराम से चेक करिएगा, ठंडा करके, गरम गरम बिल्कुल भी मत चेक करिए। और अगर आप चाहें तो चमचे से एक ड्रॉप डाल करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी ड्रॉप थोड़ी देर में नीचे गिरती है तो भी मुरब्बा आपका बन करके रेडी हो जाएगा। तो ये थे आज के टिप्स, ताकि आपका मैंगो जैम या आप जो जौन सा भी जैम बना रहे हों
वो परफेक्ट बने इसके लिए बस आपको ये छोटी सी बात याद रखनी है। तो देखिए हमने गैस ऑफ कर दी है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब आप एक कांच का एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए और उसमें इसको भर करके रख दीजिए। ये आपके सालों साल चलता है, आपका जब भी मानो आप या बच्चों को पराठा रोटी के साथ में जैम की तरह दीजिए। थैंक यू, बाय।